हेलो एवरीवन, आनन ट्यूटोरियल्स फॉर नीड चैनल में एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक के वीडियो लेक्चर्स में हम डुओडेनम पार्ट को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में डुओडेनम पार्ट में सेक्रीट होने वाले बाइल जूस को स्टडी करेंगे कि ये बाइल जूस में कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं और ये बाइल जूस किस तरह का रोल प्ले करता है, क्या ये डाइजेशन में रोल प्ले करता है या इसका कोई और फंक्शन है। कंप्लीट बाइल जूस को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बाइल जूस की। तो पहली बात, ये बाइल जूस सेक्रीट कितना होता है, कितने अमाउंट में सेक्रीट होता है, तो बोला जाएगा ये 500 टू 1000 ml पर 24 आवर सेक्रीट होता है। 24 घंटे में 500 से 1000 ml सेक्रीट होता है। ये बनता कहाँ है, मतलब इट इज सिंथेसाइज्ड इन विच ऑर्गेन, किस ऑर्गेन में इसकी सिंथेसिस होती है और किस ऑर्गेन में इसका स्टोरेज होता है। तो इसका सिंथेसिस होता है लिवर में और इसका स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर नाम के ऑर्गेन में। अब जाहिर सी बात है कि जिस ऑर्गेन में इसका स्टोरेज होगा ये वहीं से सेक्रीट आउट होगा। बनता किस में है, तो ये लिवर में बनता है और लिवर में एक सेल्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है पेरेनकाइमल सेल्स। लिवर के पेरेनकाइमल सेल्स में बाइल जूस का सेक्रीशन होता है और लिवर से निकल के फिर ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और जब जब बाइल जूस का नीड होता है तो गॉल ब्लैडर से बाइल जूस को रिलीज कर दिया जाता है। और ये जाता कहाँ रिलीज हो गया बाइल जूस, तो ये गॉल ब्लैडर से निकल के डुओडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। ठीक है, डुओडेनम पार्ट में ये रोल प्ले करता है, तो किस तरह का रोल प्ले करता है वो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, पहली बात, एक बात हम और यहाँ बता देते हैं कि बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। नो डाइजेस्टिव एंजाइम, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, इसीलिए इसको हम ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं कहेंगे। इसे हम ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। तो क्या ये डाइजेशन में रोल प्ले करेगा, ये डाइजेशन में रोल प्ले करेगा। अब एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट यहां पर हो गया कि ये तो डाइजेस्टिव एंजाइम है नहीं इसके पास, तो ये डाइजेशन में रोल कैसे प्ले करेगा। तो ये डाइजेशन में रोल प्ले करेगा किसके, फैट के डाइजेशन। देखिए, डाइजेशन करवाना और डाइजेशन में हेल्प करना दो अलग अलग चीजें हैं। इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम तो नहीं है, तो ये डाइजेशन तो नहीं करेगा लेकिन डाइजेशन करवाने में हेल्प करेगा। किसके डाइजेशन करवाने में, फैट्स के डाइजेशन करवाने में हेल्प करेगा, फैट का डाइजेशन नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, एंजाइम नहीं है तो डाइजेशन कैसे करेगा, तो डाइजेशन करेगा तो नहीं लेकिन हेल्प करेगा। तो किस तरह से हेल्प करेगा, एक स्टेप होती है, एक असल में प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ये फैट्स का इमल्सिफिकेशन कराता है और जब तक इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तब तक फैट्स का डाइजेशन भी नहीं होगा। इसीलिए फैट्स के डाइजेशन के पहले एक बहुत मैंडेटरी प्रोसेस होती है इमल्सिफिकेशन जिसे कहते हैं। जब तक इमल्सिफिकेशन नहीं होगा फैट्स का डाइजेशन नहीं होगा। और इमल्सिफिकेशन करवाता कौन है, बाइल जूस करवाता है। तो बताइए, बाइल जूस फैट्स के डाइजेशन में रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा, भाई बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहां तो हमने देख लिया कि इसका डाइजेशन में किस तरह का रोल है। ये भी हमने समझ लिया कि ये डायरेक्ट डाइजेशन में रोल प्ले नहीं करेगा, ये हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव, जो हमारा ये बाइल जूस है जिसे हम ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं कह रहे हैं, हम बाइल जूस के कॉम्पोनेंट्स की बात कर लेते हैं। ये आपने देख लिया है तो हम जरा बाइल जूस के कॉम्पोनेंट्स की बात कर लेते हैं कि बाइल जूस में आखिर होता क्या है, यानी हम बात कर रहे हैं बाइल जूस के कॉम्पोजिशन की। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले होता है इसमें, देखिए वाटर तो है ही है, ठीक, उसके बाद इसमें होता है सोडियम।
सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एक बेस है, ये एक बेस है, तो ये क्या करेगा, ये बेसिक मीडियम या एल्कलाइन मीडियम बनाएगा। तो कितना बेसिक बनाएगा, तो पीएच भी हमें जानना चाहिए, पीएच 7.6 से 8.8 तक कर देता है, 8.8 बहुत ज्यादा बेसिक मीडियम है, तो ये एक बेसिक मीडियम जनरेट करता है, ठीक है। अच्छा, और क्या है इसमें, तो इसमें दो चीजें और हैं, एक बाइल पिगमेंट्स हैं और दूसरा बाइल सॉल्ट्स हैं। तो ये कुल मिला के ये चार चीजें हैं, वाटर है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, बाइल पिगमेंट है और बाइल सॉल्ट्स हैं। बाइल पिगमेंट कौन कौन सी हैं, तो बाइल पिगमेंट दो हैं, एक बिली रूबिन है और दूसरा बिली वर्डिन है। तो दो हैं इसमें, एक बिली रूबिन है, एक बिली वर्डिन है, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स कितने हैं, तो बाइल सॉल्ट्स में दो हैं, और बाइल सॉल्ट्स का भी हम नाम याद रखें, एक को कहते हैं सोडियम ग्लाइकोलेट और दूसरा है सोडियम टोरोकोलेट, ठीक है। दो इसमें सॉल्ट हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, दो पिगमेंट हैं, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है। अच्छा, ये जो बिलिरुबिन बिलीवर्डिन है ये क्या करता है, तो ये कलर देता है, किसको कलर देता है, कलर टू फीकल मैटर, जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो फीकल मैटर है उसको कलर प्रोवाइड कराते हैं ये पिगमेंट्स। वैसे भी पिगमेंट हैं तो कलर ही प्रोवाइड कराएंगे, तो ये जो दो पिगमेंट हैं वो क्या करते हैं, हमारे फीकल मैटर को कलर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और ये बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, तो ये दो बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफिकेशन कराते हैं, ठीक है। ये दो बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन कराते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दो जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये एक्चुअली किससे डिराइव हुए हैं, तो ये डिराइव हुए हैं कोलेस्टेरॉल से, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स आर डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रोल, ये कोलेस्ट्रोल से डिराइव होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा कॉम्पोजिशन है बाइल जूस का, जिसमें वाटर है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, पिगमेंट्स एंड सॉल्ट्स हैं, ठीक है। अब जरा हम देख लेते हैं इनका फंक्शन क्या है, बाइल जूस का किस तरह से ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक बार आप इसको देख लीजिए, कॉम्पोजिशन को देख लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस की बात कर लेते हैं, ये किस तरह का रोल प्ले करता है फंक्शन में, क्या करता है, देखिए इनका फंक्शंस क्या है। देखिए पहला फंक्शन क्या है, तो पहला फंक्शन है ये बेसिक मीडियम बनाता है, ये क्या करता है, ये बेसिक मीडियम बनाता है, ठीक है। अब बेसिक मीडियम बना रहा है, क्यों बना रहा है, क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जा रहा है, इसलिए बेसिक मीडियम बना रहा है। तो बेसिक मीडियम बनाने से फायदा क्या है, फंक्शन क्या है, बेसिक मीडियम अगर ये बनाएगा ना तो ये कराएगा न्यूट्रलाइजेशन ऑफ काइम, ये काइम का न्यूट्रलाइजेशन कराएगा। काइम क्या है, काइम वो फूड है जो स्टमक से डाइजेस्ट होके कहां पहुंचा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा है, ठीक है। सबसे पहले बोलस टर्म हमने देखा था, बोलस टर्म वो होता था जो वो फॉर्म ऑफ फूड जो हम स्वॉलो करते थे, फिर जब स्टमक में पहुंच जाता था तो बोलस काइम में कन्वर्ट होता था, और ये काइम स्टमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि डुओडेनम में पहुंचता है, ठीक है। तो अब चूंकि काइम स्टमक से आया है और स्टमक में एसिडिक मीडियम है, इसीलिए काइम का न्यूट्रलाइजेशन होना जरूरी है, और एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए। और बाइल जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट होने की वजह से एक बेसिक मीडियम है, तो ये क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन कराता है काइम का। चलिए दूसरा क्या फंक्शन है, देखिए दूसरा जो है वो है इसका इमल्सिफिकेशन, ठीक है। हम जानते ही कौन करता है, ये बाइल सॉल्ट्स करते हैं इमल्सिफिकेशन, किसका भाई, फैट्स का, ठीक। अच्छा, अगला क्या फंक्शन है, तो ये करता है एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, लाइपेज एंजाइम का एक्टिवेशन करता है। और हम जानते हैं लाइपेज एंजाइम जो है
ये किसका डाइजेशन करता है? ये फैट्स का डाइजेशन करता है। तो ये जो दो स्टेप यहां हम देख रहे हैं, ये जो दो स्टेप है वो किस में हेल्प करेगा? डाइजेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करेगा। कौन से दो स्टेप? ये देखिए, ये जो दो फंक्शन है, इमल्सिफिकेशन करवाने वाला और लाइपेज एंजाइम का एक्टिवेशन कराने वाला, ये जो दो स्टेप हैं, ये जो दो प्रोसेस हैं, ये दोनों किस में हेल्प करेंगे? फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, अच्छा तीसरा देखें क्या फंक्शन है। तीसरा फंक्शन होता है कि ये एब्जॉर्प्शन करवाता है। किसका एब्जॉर्प्शन कराता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ठीक है, ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन करवाता है। अभी हमने विटामिन्स टॉपिक कवर नहीं किया है, तो अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते क्या हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने विटामिन्स टॉपिक कवर नहीं किया है। असल में मैं आपको चलिए थोड़ा सा बता दूं कि विटामिन्स दो तरह के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल होते हैं और एक वाटर सोल्यूबल होते हैं। अभी हम बात करेंगे, हम विटामिन पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक फंक्शन और देख लेते हैं इसका। एक फंक्शन और क्या है? अभी तो हमने न्यूट्रलाइजेशन ऑफ काइन देखा, डाइजेशन ऑफ फैट देखा, और फैट सोल्यूबल विटामिन्स का यहाँ पे हमने एब्जॉर्प्शन देखा है। ठीक है, एक फंक्शन बाइल जूस का और होता है कि ये क्या करता है। देखिए बाइल जूस, अभी तक चलिए एक बात अभी बताने से पहले हम आपको एक चीज फिर बता देते हैं कि इतना तो हमें समझ में आ ही गया कि जो बाइल जूस है वो डाइजेशन में डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असल में नीट में तो क्वेश्चन आता ही है, इससे बोर्ड लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो बाइल जूस है, बाइल जूस है वो डाइजेशन में कैसे रोल प्ले करता है जबकि इसके पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि बाइल जूस के पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, उसके बावजूद भी ये डाइजेशन में रोल प्ले करता है, तो कैसे करता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये डाइजेशन तो नहीं करता है, ये बात सही है क्योंकि कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, लेकिन ये चूंकि इमल्सिफिकेशन कराता है इसीलिए फैट के डाइजेशन में रोल प्ले करता है। ठीक है, ये मतलब ऐसे समझ में हमें आ गया है। तो यहाँ पे ये चार फंक्शन है, एक फंक्शन इसका और होता है। ठीक है, चलिए उस फंक्शन की भी हम बात कर लेते हैं। एक बार आप पहले ये देख लीजिए, ये चारों फंक्शन एक बार आप देख लें, फिर हम उस फंक्शन की तरफ भी जाते हैं। इसको देख लीजिए आप एक बार। चलिए एक लास्ट फंक्शन है वो भी हम देख लेते हैं। एक्चुअली इस फंक्शन को हम पहले डिस्कस कर ही लिए, इसीलिए मैं रिफ्यूज कर रहा था बताने के लिए, लेकिन चलिए बता ही देते हैं कि ये क्या करता है। ये कलर प्रोवाइड करता है, किसके? कलर टू फीकल मैटर। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली ये कौन सा फंक्शन हो गया? ये एक्सक्रीटरी फंक्शन हो गया। ठीक है, ये फीकल मैटर को कलर दे रहा है तो एक एक्सक्रीटरी फंक्शन हो गया। ठीक है, असल में ये उतना इंपॉर्टेंट कोई ऐसा फंक्शन, देखिए मतलब ये तो बात सही है कि हाँ वही कलर दे रहा है फीकल मैटर को, लेकिन एज अ फंक्शन इसको नहीं बताना चाह रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा मैं समय ले रहा था। ठीक है, तो ये जो है पांचों फंक्शन आप थोड़ा याद रखें। ठीक है, खास करके जो इमल्सिफिकेशन और जो एक्टिवेशन वाला जो फंक्शन है उसे आप जरूर याद रखें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने बाइल जूस टॉपिक को कवर किया है। आज के इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसे पूछ लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स, आपके कलीग जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी हमारे चैनल को शेयर कर दें। कोई भी डाउट हो उसे जरूर क्लियर करते हुए चले। नीट 2020 हमारा टारगेट है। हमारे सारे वीडियोज नीट के हिसाब से ही डिजाइन किए गए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2020। थैंक यू।